फ्रेंड्स व्रत का महीना चल रहा है तो ये ड्राई भाखरी आपको ज़रूर साथ देगी। तो चलिए बनाते हैं व्रत के लिए स्पेशल ड्राई भाखरी। उससे पहले छोटा सा म्यूजिक सुन ले, लेट्स गो। फलाहारी ड्राई भाखरी बनाने के लिए सबसे पहले एक पेस्ट बनाएंगे। उसके लिए एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें डालेंगे 3 से 4 तीखी हरी मिर्च, बड़ा टुकड़ा अदरक का और थोड़े से कड़ी पत्ते। अगर आप कड़ी पत्ते नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है मेजरमेंट। इसके लिए 1 कप मैंने राजगिरी का आटा लिया है, उसके साथ साथ 1/4 कप सिंगाड़े का आटा और 1/4 कप साबूदाना। मेजरमेंट यहीं रखना है। उसके साथ साथ इसको और क्रिस्पी बनाने के लिए हम एक चीज़ और डालेंगे। उससे पहले हम साबूदाना को क्रश कर लेंगे। साबूदाने को एकदम महीन क्रश करना है। अब एक परत लेंगे, उसमें 3 आटे मिला देंगे। और उसके साथ साथ ऐड करेंगे हमारी भाखरी का सीक्रेट, और वो है 2 टेबलस्पून अरारूट। अब मसाले ऐड करेंगे, क्रश्ड अदरक हरी मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, उसके साथ साथ थोड़ा साबुत जीरा भी डालेंगे, 1 टेबलस्पून तिल और 1/2 कप फ्रेश धनिया। फ्रेंड्स इसको हम स्टोर करने वाले हैं, इसीलिए इसमें मोइन ज़्यादा रहेगा। यहाँ पर हम 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। जितना पानी कम यूज़ करेंगे उतनी आपकी भाखरी ज़्यादा दिन तक स्टोर कर पाओगे। सिंधु नमक अपने स्वाद के अनुसार, पिंच ऑफ हींग, 1 टीस्पून पाउडर शुगर, चीनी को क्रश करके लिया है, और 1/2 नींबू का रस। फ्रेंड्स इसमें हमने चीनी डाली है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और हमारे टेस्ट को भी बैलेंस करेगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नॉर्मली फलाहारी आटा होता है उसका कोई प्रॉपर टेस्ट नहीं होता है, वो थोड़ा फीका फीका सा होता है। इसके लिए इसमें मसाले ज़्यादा डाले जाते हैं, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगेगा। इसमें आप जो भी चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं उसको स्किप कर सकते हैं। इसका हमें टाइट डो प्रिपेयर करना है। देखिए ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अगर यहाँ पर आपका आटा बिखरा बिखरा रहता है तो 1 टेबलस्पून तेल और ऐड करना है। अब हमारी भाखरी को सुपर टेस्टी बनाने के लिए डालेंगे 1 टेबलस्पून घी। अब इसमें पानी डालेंगे और सख्त आटा प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए मैं यहाँ पर चम्मच से पानी डाल रही हूँ। अगर आप एक साथ पानी डाल देंगे तो आपका आटा सॉफ्ट हो जाएगा। पहले हम 2 टेबलस्पून पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। जितना पानी ज़्यादा डालोगे भाखरी आपको उतनी ही ज़्यादा सेकनी पड़ेगी। अब और 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। अभी ये अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है, 1 टेबलस्पून और ऐड करेंगे। अब इसको अच्छे से मसल कर आटा प्रिपेयर करना है। परफेक्ट। देखिए इतने आटे में हमने 5 टेबलस्पून पानी यूज किया है। अब आटे का छोटा सा पोर्शन लेके एक बार चेक कर लेंगे। परफेक्ट। देखिए ये अच्छे से बाइंड हो चुका है और इस तरह से इसकी लोई बन रही है। अब इसी तरह से सारी लोइयां बना लेंगे। इसको हमें चकले पर बेलना नहीं है। ये मैंने पूरी का मशीन लिया है, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट रख देंगे, उसके ऊपर लोई रखेंगे और दूसरी शीट से कवर करेंगे और फिर जेंटली प्रेस करेंगे। आपके पास पूरी का मशीन नहीं है तो पापड़ का मशीन आता है, उसमें भी ये अच्छे से हो जाएगी। परफेक्ट। देखिए इतनी
मोटी रखनी है, ज़्यादा पतली भी नहीं रखनी है और ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है। इस तरह से हम सारी भाखरी बना लेंगे। फ्रेंड्स, इसमें हमने तिल डाले हैं और अच्छे से मोइन डाला है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा तेल ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब एक तवा गरम करेंगे और भाखरी को सेक लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको एकदम स्लो फ्लेम पर सेकना है और इसमें हमें तेल घी कुछ भी यूज़ नहीं करना है। देखिए, इस तरह से दबा दबा कर दोनों साइड सेक लेंगे और एकदम क्रिस्पी बना लेंगे। थ्रू आउट प्रोसीजर गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, नहीं तो हमारी भाखरी जल जाएगी और अंदर से सॉफ्ट रहेगी। अब हमारी भाखरी अच्छे से कुक हो गई है, इसके ऊपर घी लगाएंगे, ये ऑप्शनल है। इसी तरह से हम सारी भाखरी सेक लेंगे। देखिए, है ना एकदम मार्केट जैसे ड्राई भाखरी। अगर आप इसको स्टोर करना चाहते हैं तो ये ठंडी होने के बाद इसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लेना है। अगर इसको बाहर रखोगे तो ये बारिश के मौसम में सॉफ्ट हो जाएगी। तो तैयार है हमारी व्रत के लिए स्पेशल ड्राई फराड़ी भाखरी, जिसको हम गर्मा गर्म मसाला चाय के साथ सर्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करना और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। देखिए, मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, है ना एकदम क्रिस्पी करारी और माउथ वाटरिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। टिल देन, बी हैप्पी, बी हेल्दी।